हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले एनएमडीसी लिमिटेड से स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे को 10 रुपए 15 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 4.5% से भी ऊपर का अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल 235 रुपए 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक ने 196 रुपीज को एक कंसोलिडेट किया और स्टॉक ने एक बार रिटेस्ट किया 178 रुपीज के प्राइस को और फिर से जैसे स्टॉक में यहां से एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिला और स्टॉक ने एक नया टॉप बनाया 227 रुपीज का। 227 रुपीज के स्टॉक ने एक टॉप लगाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जहां पर स्टॉक ने 199 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट किया और फिर से यहां से एक अपट्रेंड देखने को मिला। जैसे स्टॉक ने अपने पुराने हाई 227 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ने एक नया हाई बना दिया 238 रुपीज। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है। आप इस स्टॉक का जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो स्टॉक का पुराना हाई 227 रुपीज का स्टॉक में नीचे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। जब तक स्टॉक 227 रुपीज से ऊपर रहता है स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 227 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 265 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।